नमस्कार, मैं उषा शर्मा। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दूध से रबड़ी कैसे बनाई जाएंगी। यहाँ मैंने 1 किलो दूध ले लिया है, उबला हुआ दूध है मेरा, और मैं गैस ऑन कर दूँगी। इसके लिए भारी तली की कढ़ाई लेनी है, ये नॉन स्टिक कढ़ाई बिल्कुल भी यूज़ ना करें। भारी कर इसमें उबाल आते हुए इसे चलाते हुए हमें पकाना है करछी से। अभी ठंडा डालना है। फ्रेंड्स, हमारा दूध उबलने लगा है और ये जो मलाई साइड में आएगी, अब हम इसको एक साइड से किनारे पे ऐसे करते रहेंगे, किनारे से साइड से करते रहेंगे। फिर दूध उबल जाएगा, फिर ऐसे चला के किनारे पे मलाई जमनी चलनी शुरू हो जाएगी। फिर आगे सेम प्रोसेस बीच बीच में करते हैं। हमारा दूध बॉईल हो रहा है, मैंने ये बादाम काट लिए, कुछ कुछ काजू काट लिए और ये इलायची पाउडर ले लिया है। कुछ हम डबड़ी में डाल देंगे, कुछ ऊपर से डालेंगे। देखिए, दूध कम होना शुरू हो गया और ये मलाई मैंने गैस को थोड़ा धीमा कर दूंगी, फिर इसकी मलाई साइड में हो जाएगी। इसी प्रोसेस से हम इसको करते रहेंगे। अब फिर तेज कर देंगे थोड़ा सा। और इसको नीचे तली हुई भी चलाते रहना ताकि हमारा दूध जले ना। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हैवी तले की कढ़ाई लेनी है ताकि रबड़ी की खुशबू अच्छी बनी रहे। नॉन स्टिक और पतली कढ़ाई में ये चीज़ें नहीं बन सकती अच्छी, वो ज़रूर जलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना। और अब थोड़ा तेज कर दिया थोड़ी देर, उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए फिर धीमी गैस पे छोड़ देंगे। ऐसी 4 से 5 बार भी हमारी रबड़ी का दूध घट करके 1/3 हिस्सा रह जाएगा। मेरा यहाँ पे 1.5 किलो दूध था तो ये 300 ग्राम करीब दूध हमारा बीच में रह जाएगा, बाकी साइड में रबड़ी हमारी लच्छे निकल आएंगे। तो ये असली रबड़ी बनती है, हमारी यूपी की फेमस रबड़ी है, लच्छेदार रबड़ी जिसको बोलते हैं, खुरचन वाली लच्छेदार रबड़ी, क्योंकि साइड में खुरचन जमती चली जाती है। अब इसको फिर धीमा कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारा दूध हाफ रह चुका है। अब इसको थोड़ा तेज गैस कर देंगे और इसको नीचे से भी चलाना है। हाफ दूध रह जाने के बाद भी नीचे से भी चलाना है, कहीं नीचे जल ना जाए। अब इस स्टेज पे नीचे जलने का इसमें खतरा है। इसको चलाते हुए तेज गैस पे दूध को गाढ़ा करना है। देखिए कितना कलर चेंज हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको और चलाते हुए गाढ़ा करना है बीच बीच में ताकि तली में जले ना। यदि जल जाएगी तो हमारी रबड़ी खराब हो जाएगी। देखिए हमारी कितने लच्छे जमने शुरू हो गए हैं। इसी प्रोसेस से हमें रबड़ी बनानी है। अब इसका और हाफ रह जाएगा तो उसके बाद हमारी रबड़ी रेडी है। फ्रेंड्स, ये यूपी की फेमस लच्छेदार रबड़ी बनती है। यूपी में मिल्क प्रोडक्ट अच्छा है और यूपी की मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं, प्योर मिलती हैं, प्योर दूध होता है वहाँ पे और बहुत ही फेमस है दूध की मिठाइयाँ वहाँ पे। रबड़ी लच्छेदार खुरचन बहुत ही अच्छी बनती है असली दूध की। हम भी यूपी के हैं तो और यूपी की मिठाई हमें बहुत पसंद आती है और
खाने वाली भी यूपी के और बनाने वाली भी यूपी के। फिर तो और दिल से कोई भी चीज़ बनाते हैं, खाने में ये इम्पोर्टेंस है। कभी भी आप कोई भी खाने का कोई भी डिश बनाते हैं तो आप दिल से बनाइए, क्योंकि खाने में हमेशा दिल के भाव जुड़े होते हैं, तो वो चीज़ हमेशा अच्छी बनेगी। इस बात का आप ध्यान रखिए, किचन में जब भी कुकिंग करें, जो भी खाना बनाएं, बहुत दिल लगा कर के बनाइए, बेमन खाना नहीं बनाइए, क्योंकि दिल के भाव भी मन के भाव भी खाने में ऐड होते हैं। ये अब मेरी सोच है, इसलिए खुश होकर के बनाइए खाने को, चाहे आप कैसे कोई भी डिश बनाए, खुश होकर के बनाइए। अब इसी प्रोसेस से मैं इसको हाफ कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी रबड़ी अब रेडी है। दूध हमारा 1/3 रह गया है, 1.5 किलो दूध था हमारा, अभी 300 ग्राम के आसपास हमारा रह गया है। बीच में हमारी रबड़ी कहीं भी जली नहीं है। अब इसको हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। गैस की फ्लेम ऑफ कर दी मैंने, और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये शुगर ऐड करेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालूंगी, आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है वो ही डालिए। और इसको प्लेन भी बिना ड्राई फ्रूट्स के बना सकते हैं, जिनको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। अब हम इसको साइड से खुरचते हुए सारी रबड़ी इसमें निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने पर। अभी ये गर्म है, ये शुगर मेल्ट हो जाएगी इसकी, और ये साइड के लच्छे सारे इसमें करछी से आसानी से ऐसे खुरच खुरच के सारे बाहर आ जाएंगे, और उसको रबड़ी में मिक्स कर देंगे। देखिए ठंडी होने पर इस तरीके से ये खुरच कर हम इसको सारी रबड़ी में मिक्स कर देंगे। ऐसे ही सारा खुरच दूंगी, जैसे यहाँ से खुरचा मैंने, ऐसे सारा रबड़ी में मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए हमारी कैसी लच्छेदार रबड़ी तैयार हुई है। देखिए अच्छी लच्छेदार रबड़ी है हमारी। आप बनाइए इसको, एंजॉय कीजिए। ये उपवास की भी रेसिपी है, इसको उपवास में भी खा सकते हैं, शुद्ध है और बहुत टेस्टी है। और हमारी यूपी स्टाइल लच्छेदार मलाईदार रबड़ी बनाइए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे, नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। और अपने विचार जो भी हो कमेंट सेक्शन में देते रहिए, और रेसिपी को शेयर करते रहिए, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। प्लीज़ ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब थोड़ा सा मैं इसमें ड्राई फ्रूट अलग से इसको और डाल दूँगी। ये हमारी रबड़ी तैयार है। देखिए लच्छेदार रबड़ी हमारी रेडी है।